आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग गोल घेर फ्रॉक है, स्लीव प्लस बेबी फ्रॉक, इसको बनाएंगे। इसके लिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है, लगभग 1.5 मीटर कपड़ा है, ज़्यादा नहीं है। कम कपड़े में कैसे गोल घेर फ्रॉक बनाते हैं देखिएगा। इसके लिए क्या करते हैं, हमने दो फोल्ड में कपड़े को रखा हुआ है, देखिएगा, ये देखिए दो फोल्ड में, तो इस तरह से हमने रख लिया है। एक फोल्ड कपड़ा कम रखा है, नीचे वाला कपड़ा ज़्यादा है। अब इसको हम नापेंगे, कैसे नापेंगे, यहाँ से रखेंगे कपड़े को। लगभग इसकी लंबाई भी हम 27 इंच रखेंगे फ्रॉक की। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये दो फोल्ड में कपड़ा सिर्फ है, तो ये हम यहाँ से नापेंगे 6.5 इंच पे। और इसी तरह जैसे हमने वो फ्रॉक बनाई थी बेबी फ्रॉक, बिल्कुल वैसे ही इसको भी हम ऐसे नाप के निशान बनाते रहेंगे 6.5 इंच पर। बिल्कुल ये हमको यहीं रखना है कॉर्नर पर, और ऐसे ही इसकी हम ये निशान बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी लंबाई हम रखेंगे 22 इंच। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी फ्रॉक तो अच्छी लगेगी, और तो यहाँ हम 22 इंच पे इसको रखेंगे ऐसे। अब ऊपर से नाप लेते हैं, देखिए कितने, ये 22 इंच कितने दूरी पाता है यहाँ से, बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ से। तो ये हमने देखा ये 28.5 इंच पे 22 इंच की दूरी आती है, तो 28.5 इंच पे ही हम निशान बनाएंगे इसका ऐसे। फिर इसी तरह से हम इसको यहीं रखते हुए 28.5 इंच पे हम ये निशान बनाते रहेंगे घेर का, इस तरह से बना लेंगे पूरा। देखिए ये हमने निशान बना लिए हैं। अब इसी निशान पे हम इस तरह से शेप देते हुए गोलाई बना देंगे, गोल गोल कर देंगे। फिर इसी पे हमको कटिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कट करके अलग कर लिया है कपड़े को, ये कट करके अलग कर लिया। अब हम आगे और पीछे का पल्ला कट करेंगे। अब हम इसका आगे का पल्ला कट करेंगे, इस जो आगे का पल्ला है इसकी सीना इसका रहेगा 24 यानी कि 6, क्योंकि 24 को 4 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 इंच पे यानी कि रहेगा हमको अब ये हमने कपड़ा ले रखा है चौड़ाई इसकी 7.5 इंच की, देखिए 7.5 इंच की चौड़ाई है, और लंबाई इसकी रहेगी 12 इंच, क्योंकि हमको ये बनाना है 11 इंच का, 1 इंच मार्जिन दे दिया है, 11 इंच की लंबाई इसकी रखेंगे। अब हमको गला और शोल्डर कट करने हैं और आर्म होल कट करना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको ये जो है स्लीवलेस बनेगी फ्रॉक, इसलिए इसको हम इधर रखेंगे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, और फिर इसकी गहराई रखेंगे गले की 4 इंच की, और फिर इसको हम ऐसे वी शेप में कट करेंगे, निशान बना देंगे वी शेप में। ये हमारा गला होगा कट हो जाएगा, और इसके बाद में आर्म होल इसका बनाएंगे हम 4.5 इंच पे ऐसे, और ये हम बनाएंगे 4 इंच की गहराई रखेंगे आर्म होल की 4 इंच की ऐसे। और हमको सिलाई देनी है कितने पे, 6 पे, ये हमारा सिलाई हो जाएगा, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे गले का, ऐसे ही हमको इसकी कटिंग करनी है। ये कट करेंगे फिर ये कट करेंगे, ये हमारा आगे का पल्ला कट होगा। देखिए अब हम पीछे की पल्ली कटिंग करेंगे। पीछे की पल्ली कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, ये दो फोल्ड में हमने कपड़ा रखा है, अब इसको 1.25 इंच लगभग अंदर को ऐसे मोड़ देंगे, इस तरह से 1.25 इंच कपड़े को हमने मोड़ दिया। इसमें हमको पट्टी बनानी पीछे की गले की। अब जैसे हमने रखा है गला बिल्कुल बिल्कुल वैसे रखेंगे बराबर से, जब हम ये पीछे जो आगे का पल्ला काट रखा है इसको हम पीछे से रखेंगे इस तरह से, इसके ऊपर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जैसे हमको कटिंग हमने आगे के पल्ले की है, बिल्कुल वैसे ही पीछे के पल्ले की कटिंग करनी है। ऐसे हम इसका निशान बना लेंगे, ऐसे शेप बना लेंगे, बस इसके ऊपर ही हमको कटिंग करना है, क्योंकि हमको ये कपड़ा बस ये ध्यान रखना है कि पीछे के पल्ले के कपड़े को अंदर 1.25 इंच अंदर फोल्ड करके ही हम इसकी कटिंग करेंगे, बस इसी तरह से इसे कटिंग कर देंगे। देखिए अब हम इस गले में आगे पट्टी लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए हम पट्टी काट लेते हैं ऐसे रख करके कपड़े को। ये डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, अब इस पर हम निशान बनाएंगे जैसे हमने हमारा गला है बिल्कुल वैसे वी शेप में, इस तरह से निशान बना करके, और ये हम ऐसे पट्टी कट कर लेंगे इस तरह से।
देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग जो है हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमने एक पट्टी अरेबी पट्टी काट ली है क्योंकि ऊपर हमको पट्टी लगानी है, यहाँ पे ज्वाइन करनी है। और ये हमने गले की पट्टी काटी है, आगे के गले की पट्टी, और ये दोनों में पीछे के गले की पट्टी कट गई है। इस तरह से कंप्लीट हो गई कटिंग। अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉक की सिलाई के स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे के पल्ले में जो हमने ये पट्टी जोड़ी थी इसी को हम पहले बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं। इसको मोड़ करके इसको हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि इसमें हम चैन नहीं लगाएंगे, इसमें हुक लगाएंगे, तो इसलिए इस पट्टी को मोड़ करके हम पहले सिल लेते हैं इसको। देखिए ये पीछे का गला है, इसके अंदर हमने ये सिलाई कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चैन तुमको लगानी नहीं, हुक लगानी है, तो काज इधर बनेंगे, हुक इधर लगेंगे। तो इसको हम ऐसे ऊपर नीचे रख करके यहाँ पर सिलाई दे देते हैं ताकि हमको ये ज्वाइन हो जाएगा, तुमको जोड़ने में आसानी रहेगी। देखिए अभी इसमें हम आगे गले में ये पट्टी ज्वाइन करेंगे। ये आगे का गला है, इसमें पट्टी ज्वाइन कर लेते हैं गले में। देखिए फ्रेंड्स, आगे के पल्ले में ही ये हमारे पास रखा था, इसको हम ज्वाइन करेंगे ताकि ये सुंदर लगने लग जाएगी फ्रॉक। इसको इसी तरह ज्वाइन कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, हमको ये साइड से इसको ज्वाइन कर देना है, आगे के पल्ले को, पीछे के पल्ले को, साइड से जितना हमने मार्जिन लिया था उस हिसाब से इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमने ऊपर का पल्ला पोर्शन तैयार कर लिया है, अब इसको हम घेर से ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम रख करके ऐसे नाप लेते हैं, देखते हैं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। अगर छोटा बड़ा होता है तो हमको इसमें और कटिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम देख लेते हैं पहले। ये हमने देखा इसमें, देखिए ये इतना हमारा ये पल्ला जो है छोटा पड़ रहा है, नीचे का घेर वाला इतना छोटा पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी घेर को ऐसे मोड़ के फिर रखेंगे ऐसे, और फिर इसमें हम ज़रा ज़रा सी यहाँ कटिंग कर देंगे तो हमारा पल्ला पूरा हो जाएगा। इसी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे, फिर इसी घेर पे हम इसकी कटिंग कर देंगे तो हमारा ये उसके बराबर हो जाएगा, आगे पीछे पल्ले के बराबर। अब हम इस घेर को इस पल्ले से ज्वाइन कर देंगे, तो इस घेर को हम इस पल्ले से ज्वाइन कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमको कौन सा साइड, अब ये साइड हमको ज्वाइन करना है, ये पल्ला जो है कॉर्नर का हमको ये ज्वाइन करना है। इस तरह से इसको हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ऐसे पूरा हमको इसको ज्वाइन करना है। देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हमको क्या करना है, नीचे जो घेर होता है इसको जरा से अंदर को मोड़ते हुए ऐसे हम इसको इसके ऊपर हम सिलाई चलाएँगे, या तो फिर अगर आपके पास लेस है तो लेस लगा दीजिए, नहीं तो फिर इसको अंदर ऐसे मोड़ते हुए इसकी सिलाई कर देते हैं नीचे घेर दिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डोरी लगाएंगे। इसको हमने अंदर साइड ऐसे करके कपड़े को सिल दिया है, अब यहाँ डोरी लगाएंगे। तो डोरी तैयार करते हैं, हमने इस तरह के चार पट्टियाँ को बना ली हैं। अब इसको हम इसे पलट देते हैं, और पलटने के बाद डोरी, जैसे हम डोरी बनाते हैं ब्लाउज की, उसी तरह से इसकी डोरी बनाते हैं। पहले ये मोटी डोरी है, रहेगी थोड़ा सा, अभी देखते हैं कैसे बनेगी। इस तरह से हम अंदर को डालते हुए इसकी डोरी बना लेते हैं। ये देखिए हमने चार डोरी इस तरह से बना ली है। ये डोरी थोड़ा मोटी है, तो इसको हम ऐसे इसमें आप ज्वाइन करेंगे, इसको अंदर को ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़े को, और फिर इसके ऊपर ऐसे हम इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं हरे डोरी को। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डोरी ज्वाइन कर ली है। अगर आप ये ज्वाइन करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर होता है इसको हम काट के अलग कर देते हैं। इसी तरह से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इधर है इसको काट के अलग कर देंगे। जो ये डोरी ज्वाइन कर दी है, अगर आप चाहें तो ये जो आपने पीछे ये हुक लगाने के लिए जगह छोड़ी है इसको आप सिल भी सकते हैं, या तो फिर इसमें हुक भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर का पोर्शन तो खुला ही रहेगा ना, इससे भी पहनते फ्रॉक बन जाएगी, इसलिए अगर आप चाहें तो इसको सिल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको फ्रॉक बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो फिर आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगर ये फ्रॉक आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।